नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह की जुबान पार्टी की एक जनसभा में फिसल गई। धर्मवीर जनसभा को संबोधित करने के दौरान गलती से कांग्रेस के लिए वोट मांग बैठे। ये जनसभा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की थी और वो उस समय मंच पर मौजूद थे। उनके भाषण का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। दावे से कह सकता हूँ आपके हौसले को देखते हुए, न केवल इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, मुझे लगता है कि 1987 की तरह ये प्रदेश में पहली बार दोबारा से 85 से भी ज्यादा सीट आप लोग कांग्रेस पार्टी को दोगे। 85 से भी ज्यादा सीट आप लोग कांग्रेस पार्टी को दोगे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में रविवार को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों की जेब कटने का मामला सामने आया है। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पहुंचे कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि उनकी जेब कटी है। जिन लोगों की जेब कटी है उनमें कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं। जेब कटने की घटना फरीदाबाद के सेक्टर 16 अनाज मंडी में हुई है। उधर कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं ने रोड शो किया है, जिसकी वजह से कई जगहों पर लंबा जाम लग गया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस चेकिंग अभियान के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। रविवार को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 25 किलो सोना पकड़े जाने का दावा किया है। दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने एक टाटा 407 को कैश वैन का लुक दे रखा था और इसमें 4 लोग सवार थे। इस बात को लेकर भी स्थिति अभी साफ नहीं हुई है कि सोने की खेप जानी कहाँ थी। बरनाला जिले के हंडियाया में शनिवार को आजाद सिंह फौज के एक सिपाही का निधन हो गया। वो आजाद हिंद फौज में पोस्टमैन थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी खुद को आजादी लड़ाई का सिपाही साबित करने में गुजार दी। अब 107 साल की उम्र में मान सिंह का निधन हो गया है, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मधुबन बाल सुधार गृह में सजा काट रहे बच्चों में शनिवार देर रात करीब 10:30 बजे हुए झगड़े में एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसके बाद गुस्साए बच्चों ने बाल सुधार गृह कार्यालय के कंप्यूटर, शौचालय के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ डाला, रिकॉर्ड को आग लगा दी। सुधार गृह में बंद बच्चों का ये रूप देखकर कर्मचारी घबरा गए। उन्होंने तुरंत थाना मधुबनी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उत्पात मचा रहे बच्चों पर काबू पाया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।